नमस्कार दोस्तों, इंद्रजीत परमे कलेक्शन पर आपको स्वागत है। अभी कुछ महीना अरुणाचल में बहुत सा ये हो रहा है, इशू चर्चा में है, जैसे कि रितरुबा का वो तो शायद हो गया अभी, और वहाँ पर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टोकोसीटल वाली वो भी हो रहा है, और अभी का जो सबसे मेन मुद्दा है वो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फेस्को है वो सबसे टॉप में है वो, तो उसके बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं आज। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं वीडियो बना रहा था तो पता चला कि और एक अरेस्ट हो गया, एपीपीएससी स्कैम पे टोटल अभी 11 हो गया। आज जो मैं कहना चाहता हूँ वो सब अरुणाचल पब्लिक के लिए, आधा दिन आधी थॉइक्स, एक ताकेज जेरांग के लिए सब आदि कम्युनिटी को क्यों ट्रोल कर रहा है। मेरा मुताबिक ताकेज जेरांग को कभी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, फिर भी आदि ट्राइब को ऐसे कम्युनिटी ट्रोलिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ताकेज जेरांग सिर्फ आदि कम्युनिटी के लिए तो नहीं कर रहा था ना, वो उसका भी कुछ फ्रेंड सर्कुल होगा, उसी के लिए कर रहा था होगा। दुनिया भर का आदि लड़का लोग जो ईटानगर में अपना माँ बाप का पैसा लेके रेंट लेके बैठ रहे ताकि उसको कुछ ना कुछ मिले, सेम उन लोग को भी सेम वही दुख मिल रहा है उन लोग को। एक ताकेज जेरांग के लिए क्यों आदि कम्युनिटी को ट्रोल करेगा, ये रॉन्ग नंबर है। अभी देखिए आपको हम एक करके दिखाता हूँ। वॉइस ऑफ अरुणाचल में एक महाशय है जोनी थी, शायद एक फेक अकाउंट होगा, वो क्या लिखता है, APPSC का जो फुल फॉर्म है आदि प्रदेश पब्लिक सियांग कमीशन, ऐसा लिखा है वो। उन्हीं पर ताकेज जेरांग के कारण ऐसे लिख रहा है हम लोग को। फिर एक वॉइस ऑफ अरुणाचल में नोक सॉन्ग बोल के एक लिखा है, वाई आदि पीपल आर सो करप्टेड, आदि लोग क्यों हमेशा जॉब को पैसा का खेल बनाता है, आदि शुड बी बैन फ्रॉम अरुणाचल। ये क्या मजाक है सिर्फ एक ताकेज जेरांग के लिए। अरुणाचल का सबसे बड़ा सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब को बैन करेगा आप, ये रॉन्ग नंबर है मेरे हिसाब से, ये रॉन्ग नंबर है। अब देखिए सुमा में क्या लिखा है, ओरू वालोंग, उसका नाम है ओरू वालोंग, वो लिखा है लाइफ ऑफ आदि पीपल, बिल कच्चा हाउस, बाय क्वेश्चन पेपर, ईट ओई सब्जी, इसके बाद डेट। वाह भाई वाह, रॉन्ग नंबर। और फिर सुमा में वही लिखा है, ओरू वालोंग लिखा है, आदि पीपल बी लाइक, वाह क्या मीम्स है, ये बात है, सब निशी ऐसा ही होता है, एक दो आदि चोरी किया है, सब ट्राइब को बदनाम मत करो। इसका मतलब क्या है, कभी हम लोग बदनाम करके देखा है, कितना स्कैम आया है, कभी एक ट्राइब को लेके बदनाम करके देखा है क्या, कभी नहीं देखा है, यह भी रॉन्ग नंबर है। और आप और देखिए, मैं उठाता हूँ लिस्ट, वॉइस ऑफ अरुणाचल में लिखा है, लिखने वाला है मार्तो गैरेप्टो, वो क्या लिखा है, अपना मेरी भाई लोग से
भी आगे है आदि लोग, भैया तू भैया। थैंक यू निधि भाई लोग, हम लोग का भाई है मिसिंग लोग, उसको वेलकम करता हूँ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी भाई लोग क्या किया है, क्या किया है मिसिंग भाई लोग, क्या किया। हम तो सोचते हैं मिसिंग लोग आबोतानी ग्रुप में से सबसे डेवलप्ड ट्राइब है उन लोग, इसमें क्या खराबी है। और ये तो रंग नंबर है, एक्सरे मेल, शायद दौड़को फेक अकाउंट वाला। एक्सरे मेल क्या लिखता है, तुम कुत्ता आदि लोग ही अरुणाचल का फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। साला तुम लोग हमेशा नेस को गाली देता है, तुम कुत्ता लोग ही अंदर से चोर है। नेस को कब हम लोग ट्रोल किया है, निशी इलाज सोसाइटी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, को भी ट्रोल नहीं किया है। नो अपना दिमाग में जैसा है गोबर दिमाग है वही आप आपका ये से देख रहे हैं हम। और क्या लिखता है वो, बॉयकॉट ऑल आदि कुत्ता ऑफिसर्स, दे ऑल केम थ्रू बैक डोर। यानी कि सब ऑफिसर आदि का जितना ऑफिसर है बैक डोर से आया है। आप थोड़ा सोचो, डाइंग इरिंग कौन था, आप सोचिए थोड़ा, डाइंग इरिंग कौन था और जोमिन टाइम कौन था, ये सब को भूल गया आप। एक टके जरंग के लिए ये रॉन्ग नंबर है। और इससे पहले भी स्कैम हुआ है, जो APSSB का जो स्कैमर लोग, उन लोग का नाम सुन लीजिए आप लोग, कप्तर रिंगो, केमराज, तमे तनिया, सूरजीत दास, मोंगम बासार, यमी दुई, तबारिन्यो, चेनिया बगांग, ओतिताकुक, केंजुम लेंडो, ततेम दारांग, दाइसी मिजीजी, यापी गडुक, मौसमी दुई, तमे नचम। शायद ये लोग का हिसाब से ये सब भी आदि होगा, है ना, आपका हिसाब से यही सब भी आदि होगा। छोड़ दो, लेकिन ये बात को छोड़ दो। और अभी देखिए मेन मुद्दा ये है, मेरे हिसाब से हम तकेश जिरंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर भी आप लोग सोचिए, ये आदि को ट्रोलिंग करने के चक्कर में जो बड़ा बड़ा मछली है ना, वो लोग छूट जाएगा। ताकि जरंग का पीछा करते करते कुछ होगा नहीं। अब देखिए इसमें APBSC का स्टाफ लोग में देखिए, निपो नबम चेयरमैन है, बेरिंग शेरिंग नक्शांग मेंबर है, मेजर जनरल जाकेन गमलिन मेंबर है, और मेजर जनरल गणेश सिंह बिस्ट मेंबर है, इसके बाद मेहूम तादार बागे एक मेंबर है, डॉक्टर जयंत कुमार रे सेक्रेटरी है, नीमा टोनरांग जॉइंट सेक्रेटरी है, सूरज गुरुंग जॉइंट सेक्रेटरी है, बाते कोयू डिप्यूटी सेक्रेटरी है। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लोग भी इन्वॉल्व है, बट देन इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सिर्फ ताकि जरंग का पीछे पड़ के कुछ होने वाला नहीं है, करप्शन साफ नहीं होगा। तो हम लोगों का जो ऑनरेबल CM है, अभी तक हम याद है उसका, वो 1 मार्च 2023 को फेसबुक में वो खुद उसमें लिखा था, हम पढ़ देगा उसको, इफ आई कैन नॉट डिलीवर जस्टिस आई एम नॉट फिट टू बी इन द चेयर, द गवर्नमेंट स्टैंड्स फर्म विद द पीपल ऑफ अरुणाचल टू पनिश दोज हु डेयर टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ्स। आई अप्रिशिएट
valuable suggestion received today from the citizen. वो लिख चुका है इसमें अफ्तार कप्तार रंगू का जो स्कीम हुआ था इसके बाद उसने ये लिखा है. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मौका है, इन्वेस्टिगेट अच्छा से करना है, पकड़ना है सबको. क्योंकि मैं खुद ये सोचता हूँ कि ये काम तके जरंग सिर्फ नहीं कर सकता है, उसका भी कोई साथी होगा. नहीं तो कैसे, आप सोचिए, इतना वो इतना बड़ा हादसा हो गया, हादसा ही समझो, फिर भी उसको टर्मिनेट नहीं किया, उसको आराम से रिटायरमेंट दे दिया. ऐसे आदमी को तो टर्मिनेट करना चाहिए, तो क्यों रिटायरमेंट नहीं दिया उसको? रिटायरमेंट में तो उसको सब जो जितना पेंशन बेनिफिट्स मिलना है मिल जाएगा उसको. यानी कि दाल में कुछ काला है, ये रॉन्ग नंबर है. इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सबसे पहले जितना भी अभी APPSC में ऑफिस में जितना भी स्टाफ है उसको सबको चेक कर दो, सस्पेंड करके रख दो. जब तक ये नहीं होगा तब तक शायद इन्वेस्टिगेशन जो है वो अच्छा से नहीं हो पाएगा. तो आज के लिए इतना, थैंक यू. कमेंट्स में लिखिए आप लोग, अगर मैंने कुछ गलती बोला है या तो कुछ ऐड नहीं किया तो कमेंट्स में लिख दीजिए. थैंक यू सबको.